हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आर्किटेक्ट अनीता खरखोदी। आज हम बात करते हैं किचन की प्लानिंग और जोनिंग के बारे में। जैसे कि हम सब जानते हैं कि किचन हमारे घर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है और इसमें लेडीज का काफ़ी ज़्यादा वक्त स्पेंड होता है, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है इसकी प्लानिंग और जोनिंग का ध्यान रखना। जब हम किचन की प्लानिंग के बारे में सोचते हैं रिनोवेशन के टाइम पर, तो हमें बहुत सारे एस्पेक्ट ध्यान में रहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, पेंटिंग कलर, टाइलिंग, फ्लोरिंग, इन सब के बारे में हम काफ़ी सोचते हैं और अपना टाइम भी इन पर काफ़ी लगाते हैं। इन सब की हम प्लानिंग भी काफ़ी अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट रह जाता है वो अक्सर हमसे छूट जाता है, जो है प्लानिंग और जोनिंग। तो आज हम बात करते हैं किचन की प्लानिंग और जोनिंग के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट तीन फैक्टर्स होते हैं जोनिंग के लिए। फर्स्ट है कुकिंग एरिया, सेकंड क्लीनिंग एरिया एंड थर्ड वन इज सर्विंग एरिया। तो जैसे हम सब जानते ही हैं कि कुकिंग हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। कुकिंग करते वक्त हमें क्लीनिंग एरिया यानी सिंक की भी बीच बीच में जरूरत पड़ती रहती है और रेफ्रिजरेटर का भी हमें काम होता है, तो इसलिए कुकिंग स्टोव की प्लेसमेंट करते वक्त हमें ध्यान रखना चाहिए कि इसको हम सेंटर में ही रखें तो बेहतर है। हमें ध्यान रखना होगा कि सिंक एरिया हमें प्लेस करना है ऐसी जगह पर जहां आसपास कोई विंडो हो। ये विंडो कोई एक्सटीरियर विंडो भी हो सकती है या फिर इंटरनल विंडो भी हो सकती है, यानी इंटरनल वॉल पर भी हो सकती है ये विंडो। और विंडो इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि फ्रेश एयर हमारे किचन में आती रहे और हमारा किचन काफ़ी एयरी रहे और काम करने में भी कंफर्टेबल और इजी रहे। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे दोनों बाकी इम्पॉर्टेंट एरियाज हैं, सिंक एरिया, वेट एरिया और सर्विंग एरिया, वो दोनों इसके एक लेफ्ट साइड दूसरा राइट साइड हो सकता है, जिससे कि कुकिंग करते वक्त हमें इन दोनों एरियाज को भी यूज करना कन्वीनियंट रहे। ये सिंक एरिया और रेफ्रिजरेटर कुकिंग एरिया से, कुकिंग स्टोव से बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं होने चाहिए और बिल्कुल पास भी नहीं होने चाहिए हैं। अगर आप अपने किचन में आइलैंड काउंटर बनवाना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिए कि ये कुकिंग एरिया के आसपास ही होना चाहिए, ज़्यादा दूर ना हो। और साथ ही आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा आइलैंड किचन के बेसिक कंपोनेंट्स जैसे माइक्रोवेव ओवन, सिंक या फिर फ्रिज को ब्लॉक ना करें, यानी इनके रास्ते में ना आए, तो थोड़ा एक क्लियर डिस्टेंस होना चाहिए, थोड़ी दूरी होनी चाहिए इनके बीच में, तो ठीक रहता है। कुकिंग एरिया को हमें कभी भी कोशिश करें कि आइलैंड के ऊपर प्लेस ना करें। सबसे अच्छी पोजीशन है कुकिंग को प्लेसमेंट देने के लिए कि कुकिंग को आप एक्सटर्नल वॉल पर लगाएं। कुकिंग स्टोव को एक्सटर्नल वॉल पर फिक्सअप करने के फायदे ये हैं कि वेंटिलेशन करना हमारे लिए काफ़ी इजी रहता है। जैसे किचन में हमें ज़रूरत होती है चिमनी की या फिर एग्जॉस्ट फैन की, तो ये हमारे लिए बेटर है कि हम एक्सटर्नल वॉल पर अगर हम इसको लगाएंगे तो वेंटिलेशन इजीली मैनेज हो पाएगा। रेफ्रिजरेटर लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि रेफ्रिजरेटर और सिंक ये बहुत पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक वेट एरिया है, दूसरे में हमें बिजली की जरूरत होती है, तो ये आसपास ना रहे और वैसे भी इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, इनके बीच में कुकिंग आ जाता है तो वो बेस्ट पोजीशन हो जाती है तीनों पॉइंट्स की, तीनों फैक्टर्स की। जब हम फ्रिज से कुछ सामान निकालते हैं तो हमें अक्सर जरूरत पड़ती है कि वहां पर एक फ्री काउंटर हो, तो आप ध्यान रखें कि फ्रिज के आसपास हमें एक फ्री स्पेस मिले सामान रखने के लिए, या फिर जब हम फ्रिज को लोड भी करते हैं उसमें कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ला के रखनी है, तब भी हमें उसके लिए एक फ्री एरिया की जरूरत होती है, तो काउंटर स्पेस थोड़ा इसके आसपास होना चाहिए रेफ्रिजरेटर के। ये तीन पॉइंट्स हुए हमारे जो बेसिक हैं। इसके बाद पॉइंट्स आते हैं हमारे वाटर प्योरीफायर। वाटर प्योरीफायर को आप प्लेस करते हैं तो इसे सिंक के आसपास ही लगवाइए, जिससे कि ड्रेनिंग में थोड़ी आसानी हो जाती है, पानी सिंक के थ्रू निकल जाता है और पूरा किचन भी हमारा गीला गीला नहीं रहता। माइक्रोवेव ओवन अगर आप किचन में यूज करना चाहते हैं, लगवाना चाहते हैं,
उसकी बेटर प्लेसमेंट है कि उसको आप रेफ्रिजरेटर के आसपास लगाएं, क्योंकि जो ओवन है वो काम आता है हमारा कुकिंग के लिए भी हम यूज करते हैं, लेकिन काफी ज्यादा जो यूज होता है ओवन वो हमारी जो डिशेज हैं उनको गर्म करने के लिए। तो फ्रिज में से आपने कुछ निकाला आपको गर्म करना है तो आसपास रहे तो बेटर पोजीशन रहेगी। माइक्रोवेव के लिए दो ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, जैसे एक आप सेल्फ लगवा सकते हैं, एक छोटा सा बॉक्स बनवा सकते हैं, या फिर और उसको आप ओवरहेड स्टोरेज से थोड़ा सा नीचे लगवाना होता है, जैसे कि आपकी जो एक बिकॉज आपको खड़े होकर उसको यूज करना है तो आपकी एक इस तरह की हाइट पर हो कि आप इजीली उसको अवन के अंदर वहां पर सेल्फ में कुछ सामान रख पाए, जो भी आपको करना है सामान रखना है तो अवन में आप उसको इजीली आपका हाथ वहां तक पहुंच जाए, तो इतनी हाइट पर आपको उसको पोजिशन देनी है, सेल्फ लगवा सकते हैं। या फिर आप इसके लिए एक बड़ी जो फ्रिज की हाइट की आप पूरी एक यूनिट भी बनवा सकते हैं, जिसमें वो इनबिल्ट ओवन माइक्रोवेव ओवन आप यूज कर सकते हैं। अगर आप इनबिल्ट माइक्रोवेव यूज कर रहे हैं तो आप उसकी फ्रिज की हाइट की एक यूनिट बनवा सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है स्टोरेज का। स्टोरेज की बात मैं इसलिए कर रही हूँ कि जब आप प्लानिंग करते हैं, जोनिंग करते हैं किचन की, तो अगर स्टोरेज को भी आप तभी माइंड में रख लेंगे कि हमें कहाँ पर बनानी है, किस तरह से बनानी है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। ओवरहेड स्टोरेज में हमें ध्यान रखना है कि एग्जैक्टली कुकिंग स्टोव के ऊपर हमें अपना ओवरहेड नहीं बनवाना है, क्योंकि ये एरिया हमें चिमनी के लिए फ्री छोड़ना है। क्योंकि अगर हम इस एरिया में स्टोरेज बनवा लेते हैं तो ये काफ़ी ग्रीसी सरफेस बन जाते हैं, ऑयल एयर के थ्रू वहाँ पर जाके चिपक जाता है और फिर हमें क्लीनिंग में बहुत मुश्किल हो जाता है इसको साफ करना। तो अच्छा है कि यहाँ पर हमारी चिमनी आनी चाहिए, हमारा जो धुआं है किचन का वो इजीली एग्जॉस्ट हो जाए, बाहर निकल जाए और किचन काफ़ी ऐसे किचन में काम करना आसान रहे हमारे लिए। तो ये एरिया में फ्री छोड़ देना है चिमनी के लिए। अगर आप किचन में फॉल सीलिंग लगवा रहे हैं तो भी हमें ध्यान रखना है कि फॉल सीलिंग करवाने से पहले हमें चिमनी के पाइप्स वगैरह की प्लेसमेंट करवा लेनी है, जिससे कि जो कटआउट हमें दीवार में बनवाने हैं वो सब और पाइप्स हमारे फॉल सीलिंग के अंदर ही छिप जाए और बाहर सिर्फ हमें चिमनी ही दिखाई दे। साथ ही एग्जॉस्ट की पोजिशन को भी प्लान करना ठीक रहता है। एक्सटर्नल वॉल पर आप एक एग्जॉस्ट लगवाएं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किचन का, क्योंकि किचन में काम करते वक्त काफ़ी धुआं हो जाता है तो एग्जॉस्ट बहुत ज़रूरी रहता है, एग्जॉस्ट फैन लगवाना, इसको भी आप प्लानिंग के वक्त ध्यान रखें। वाटर प्योरीफायर की बात मैं इसलिए कर रही हूँ जोनिंग के वक्त, बिकॉज जब आपको प्लम्बिंग करवानी है तभी आपको उसमें भी ध्यान रखना होगा वाटर प्योरीफायर का, और जब आपको बिजली का काम कराना है तो तब भी हमें पॉइंट चाहिए। तो ये बेसिकली जब हम जोनिंग की बात करते हैं तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए, और अगर आपने इनका ध्यान रखा है तो आपका किचन बहुत ही परफेक्ट वे में आप उसको यूज़ कर पाएंगे, आपको काम करना वहाँ पे अच्छा लगेगा। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।